हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर शीतलाष्टमी या बासोड़ा पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शीतलाष्टमी पर माता शीतला की उपासना करने और व्रत का पालन करने से व्यक्ति को विशेष लाभ होते हैं और समस्त रोग एवं दोष से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा कुछ उपाय शीतला मास को प्रसन्न करने के लिए आप कर सकती हैं। अपने शीत विवाह के लिए आप खुद कर सकती हैं या घर वाले कर सकते हैं। जिस किसी का विवाह नहीं हो रहा हो, लड़का हो या लड़की हो, उसको शीतला अष्टमी या शीतला सप्तमी के दिन यह कार्य करने हैं, तो आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, शीतला सप्तमी को आप कर रहे हैं या अष्टमी को, जिस दिन भी आप कर रहे हैं, सबसे पहले आपको करना क्या है, शीतला अष्टमी के दिन पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और ध्यान रखें जल शीतल होना चाहिए। इस उपाय के पीछे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों कारण हैं। शीतल जल ग्रीष्म ऋतु का संकेत है और इससे मनुष्य का शरीर कई प्रकार के रोगों से दूर होता है। तो सबसे पहले तो आपको स्नान कैसे करना है वो हमने बताया। उसके बाद अब जो वो उपाय करने हैं वह देखो, आप शीतला माता की जिस दिन भी पूजा करने जाएंगे, सप्तमी अष्टमी जिस दिन भी, तो सबसे पहले आपको आटा लेना है और आपको आटे का दीपक बनाना है, क्योंकि शीतला माता की जो पूजा की जाती है उसमें दीपक नहीं जलाया जाता और ना ही गर्म खाने का भोग लगता है, ना ही गर्म जल का स्नान कराया जाता है। तो इस दिन जितनी भी ठंडी ठंडी शीत चीज़ें जितनी भी होती हैं उनको शीतला माता को चढ़ाकर हम शीतला माता को प्रसन्न कर सकती हैं। तो सबसे पहला उपाय हमें करना है, हमें एक आटे का दीपक बनाना है। आटे के दीपक में हमें तिल का तेल, आपके घर में तिल का तेल तो होगा, तिल का तेल नहीं है तो आप देसी घी भी ले सकती हैं। और यह दीपक जिस दिन भी आप करें उस दिन एक दिन पहले आपको रात को बनाना है, तो वह एक दीपक बना के रख दें देसी घी, और देसी घी में भरने के बाद आपको उसमें दो लौंग जो साबुत हों, टूटी ना हो, जैसे हम नवरात्रि में चढ़ाती हैं, देख के दोनों पे फूल बने होने चाहिए, दोनों फूल बनी लौंगें हम उस देसी घी में रखेंगे जहाँ हमने दीपक बनाया, दीपक के अंदर। फिर उसमें हल्दी से हम उसका दीपक का टीका करेंगे, बस टीका करना है हमें, हल्दी बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, हल्दी से दीपक का हमें टीका करना है और हमें फिर रोली से भी टीका करना है। इसके बाद हमें टीका करने के बाद एक बाती बनानी है, बाती बनाकर हमें उस दीपक में लगा देनी है, आटे के दीपक में। आप यह काम रात को करके रख दें, सुबह जब पूजा करने जाएं तो रात को यह काम करना है। अगर रात को नहीं कर सकते तो आप सुबह भी यह काम कर सकती हैं, पूजा करने से पहले जब आप पूजा करने जाएंगे तो यह दीपक आप शीतला माता के पास, दीपक को आपको जलाना नहीं है क्योंकि शीतला माता की पूजा में दीपक नहीं जलाया जाता है, इस दीपक को ठंडा दीपक कहा जाता है जो मैंने आपको बताया है। यही ठंडा दीपक आपको माता को अर्पित करना है, माता के पास रख के आना है, यह उपाय। और दूसरा उपाय है, हम एक लोटा जल लेके जो जाते हैं माता के यहाँ माता के लिए, तो उस लोटा जल में या तो आप कच्चा दूध डाल लें, देखिए कच्चा दूध भी ठंडा होता है, या आप उसमें मक्खन डाल लें, आप मक्खन भी डाल सकते हैं, मक्खन भी ठंडा होता है, तो आप मक्खन ले लें या इन दोनों में से कोई भी चीज लेके लोटे में आप डाल लें और उस लोटे के जल को आपको शीतला माता का जहाँ भी मंदिर है, जहाँ भी आप जाएंगे, तो उस लोटा के जल का मंदिर के आगे जो जगह है उस पानी से छिड़काव करना है आपको, तो आप ये दो काम करें। और अगर आपके घर के पास, आप अगर शहर में रहते हैं या कहीं जहाँ शीतला माता का मंदिर नहीं है, तो आपको क्या करना है, तो आपको ये करना है, नीम का पेड़ जो होता है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो नीम का पेड़ जो होता है तो माता शीतला का नीम के पेड़ में स्थाई निवास बताया जाता है, कहती हैं कि माता का स्थाई निवास नीम का पेड़ माना जाता है, वहाँ माता स्थाई निवास करती हैं। तो हम जो पूजा मंदिर में करने जा रहे हैं तो हम जाएंगे
और मंदिर जहाँ पर भी पेड़ है नीम का, वहाँ पर नीचे थोड़ी सी सफाई करेंगे। फिर हम एक स्वास्तिक बनाएंगे और स्वास्तिक पे हम आटे का दीपक रख देंगे। और आटे का दीपक रखने के बाद हाथ जोड़ के शीतला माता से हम प्रार्थना करेंगे। इस तरीके से तो हम दीपक का उपाय करेंगे। और दूसरा उपाय है, जो लोटा जल हम मक्खन या कच्चा दूध डाल के ले जाएंगे, तो वह लोटा जल हमें उस नीम के पेड़ में सींचना है। मतलब हमें नीम के पेड़ को वो जल उसकी जड़ में चढ़ाना है। चढ़ाने के बाद हमें पूजना है, विधिवत पूजा करनी है, टीका लगाना है, सब करना है। और उसके बाद आप हाथ जोड़ के वहाँ पर शीतला माता से प्रार्थना करें, क्योंकि शीतला माता का स्थायी निवास नीम का पेड़ ही माना जाता है। तो आप ये दोनों काम नीम के पेड़ के नीचे ही कर सकती हैं। यह दोनों काम अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी वजह से रुकी ही है, उन लोगों को करना है। और इसको अगर जिनकी शादी है वो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो नहीं कर रहे, उनके माता पिता कर रहे हैं, तो आप उनका हाथ लगवा सकती हैं और बाद में आप उस चीज़ की खुद पूजा कर सकती हैं। और अगर आपके बच्चे नहीं रहते, बाहर पढ़ रहे हैं या बाहर जॉब कर रहे हैं, तो आप उनका नाम लेकर भी यह पूजा कर सकती हैं। घर में से माता पिता या कोई भी बड़ा है तो वह अपने बच्चों को ध्यान करके, नाम करके शीतला माता से प्रार्थना कर सकती हैं। ऐसा करने पे आपको बहुत बहुत जल्दी ही अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। ऐसा करने के बाद शीतला माता सभी पर कृपा करती हैं प्रसन्न होने के बाद। तो आप यह कार्य करके देखिए, आपको ज़रूर फर्क नज़र आएगा। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। इस तरह की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। राधे राधे। शीतला अष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।